नमस्कार दोस्तों, मैं तनिष गुप्ता और आज मैं एक बड़े ही गंभीर विषय के साथ आया हूं जो है पॉल्यूशन। दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखना। जैसा कि आप सभी जानते हो, त्योहारों का सीजन चल रहा है और साथ साथ स्मोग और पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, कोरोना भी चल रहा है और हम सभी इन्हीं के साथ चल रहे हैं। खैर, कोरोना की भी वैक्सीन आ ही जाएगी। क्या दोस्तों, यह दौर मतलब कोरोना जैसी महामारी यही खत्म हो जाएगी? क्या गारंटी है आगे चलकर देश में ऐसी कोई भी महामारी नहीं आएगी? जी हाँ दोस्तों, हम सभी को अब पूरी तरह से सावधान रहने की जरूरत है। जैसे कोरोना महामारी के चलते हम सभी ने सावधानियां बरती, परंतु हम सभी फिर से लापरवाही बरत रहे हैं। दोस्तों, स्मोग और पॉल्यूशन भी किसी महामारी से कम नहीं है। इसके लिए प्रत्येक देशवासी, बच्चा, जवान या बुजुर्ग, सभी को आगे से आगे कदम बढ़ाकर इस समस्या को बढ़ने से रोकना होगा। नहीं तो आप समझ सकते हो कि इसके कितने भयानक परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि आंखों की समस्या तो हर किसी को महसूस हो रही है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान और बुजुर्ग। अब ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा। छोड़ो ना, यह काम तो सरकार का है। स्मोग और पॉल्यूशन को हम लोग या जनता कैसे कंट्रोल करेगी, यानी कैसे रोका या बचा जा सकता है? नहीं दोस्तों, हम सभी को भी आगे आकर इस समस्या को खत्म करना होगा, क्योंकि दोस्तों पॉल्यूशन कई प्रकार का है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड मरीन पॉल्यूशन। अब जितने भी ये पॉल्यूशन के प्रकार हैं, हम देशवासियों का जो भी योगदान इनको कम या रोकने में बनता है, या हम सभी लोग मिलकर जो उपाय कर सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि हमें सिगरेट पीनी छोड़ देनी चाहिए, हमें अपने उद्योग शहर या गांव से दूर लगाने होंगे, अधिक से अधिक पौधे लगा सकते हैं, हमारे उद्योगों से निकलने वाले धुएं को काफी ऊंचाई तक की चिमनियों द्वारा निकालना होगा, गाड़ियों का भी कम से कम इस्तेमाल करना होगा, हम कभी कभार साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ऐसी गाड़ी इस्तेमाल करनी है जो कि कम से कम पॉल्यूशन करती हो। उद्योगों से निकलने वाली गंदगी को नदी नहर में नहीं डालना है। जिस नदी या तालाब का पानी पीने के काम आता हो, उसमें जानवर या कपड़े नहीं धोने हैं। कम शोर करने वाली मशीनों, उपकरणों का निर्माण एवं उपयोग करना है। वाहनों में लगे हॉर्नों को तेज बजाना रोकना होगा। मशीनों का रख रखाव सही ढंग से करना होगा। खेतों या खुले में शौच इत्यादि ना करें। जितना हो सके अपने घर के आगे पानी का छिड़काव करें। बाकी तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हम सभी को जागरूक होना होगा। हम
हमारा घर परिवार के सभी सदस्यों को पोल्यूशन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में पता होना चाहिए और पोल्यूशन को कैसे रोका जाए उसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे हम सभी लोग मिलकर इस पोल्यूशन जैसी महामारी को खत्म कर सके। धन्यवाद दोस्तों।